हैप्पी तुम्हें ये वाली सीट मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुंबई के स्टेशन पहुंच गए और देखिए क्या हुआ है, अम्मी आई है लेने। क्यों आई हो? तो सोचा भी नहीं था। हमने कहा सालू सबको लेने जाती है, अब जब कोई नहीं तो सालू को लेने मैं जा रही हूँ। बहुत खुशी से सारा से मिल के आई। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या सो सो के उठे हो? क्या 12 बज गए? कहाँ तक 10 बजे से बैठे काम वाम करके सब। ट्रैफिक था ना। हाँ, गई थी। रूम एकदम साफ। कैसे छोड़ दी गई? पूरे कपड़े कपड़े पूरे। कितना आसान काम कर दिया। सबसे मुश्किल काम कर दिया ये। हम लोग के लिए आसान कर दिया। पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ, और ये सब क्या है? सारे पार्सल। और ये भी आया? हाँ ये भी आया। चलो ये सब कल करेंगे। 2 डब्बे और कहीं होंगे। बोलो अभी हम मिलते हैं आपसे कल। हम मिलते हैं आपसे कल। सलाम नहीं किया ना? करो इतने दिनों से। अस्सलाम वालेकुम सबको। सब आ गई भोपाल से बम्बई। फ्रेंड्स मेरी हालत देखो, मैं ऐसी सुबह से बिना मुंह धुले चली आई हूँ और अम्मी के साथ आके अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि अम्मी लेने आई थी। हाँ। और अम्मी अब खुश है। पूरे भोपाल वाले परेशान है कि अम्मी रो रही है, अम्मी रो रही है तुम्हारी। आपको देख के दुनिया रो रहा है। कभी मुझसे दूर नहीं जाती ना, लेकिन अब उसका तमन्ना थी, मैंने भेजा था उसको। मन अच्छा हो गया। हाँ। कुछ खुशबू आ रही है। हाँ होगा। अच्छा हो गया। चिकन बनाया है? क्यों इतनी मेहनत की? बोल के गई थी मैं, आधा करवा के गई थी। हाँ। खीर तुम्हारे खड़े चावल की। खड़े चावल की खीर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। इतने दिनों बाद घर। फ्रेंड्स हमने वॉक कर लिए है और अब रेहान वॉक करेगा। क्या सिर्फ 10 मिनट की है? हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली आज हम अपने घर आ चुके हैं। मतलब कल रात में आ चुके थे लेकिन थक गए थे। फिर आज दिन में काम था, एग्जीबिशन में गए थे रिजा रेहान के स्कूल में, जिसके लिए हमें जल्दी आना पड़ा। 3 दिन ही भोपाल में रुक पाए क्योंकि हमें 24th को यहाँ आना था, रिजा का अर्जेंट काम था। तो काफी अच्छा रहा भोपाल की मेमोरीज। आपने भोपाल के ब्लॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया, आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, दिल से थैंक यू। इतना ज्यादा खाया है भोपाल में तो अब थोड़ा सा जलाने की भी जरूरत है। थोड़ी देर आके बस 10 मिनट ही वॉक किया, रेहान मजाक कर रहा था लेकिन की ना फ्रेंड्स। अभी नहीं हिम्मत हो रही है, मतलब शादी के पहले तैयारियों में लड़कियां पतली हो जाती हैं और हम देखो भोपाल से खा के आ गए हैं तो हमारा वजन बढ़ रहा है। चलो ठीक है, अभी 1 महीना है, अपन डाइट कर लेंगे। मतलब आप लोग क्यों करेंगे, लेकिन कर लेंगे। जिनको करना है वो 1 महीने में कर सकते हैं। और आप मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में, कम ऑन सुबह यू कैन डू इट। भोपाल के 3 दिन ना फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे रहे लेकिन बहुत ज्यादा थकान वाले भी रहे। और जिस हिसाब से मैं सोची गई थी कि शॉपिंग करेंगे आराम से, वो इतना नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए बहुत वक्त चाहिए सुकून से। जैसे लेसेस नहीं ले पाए, कपड़े अधूरे अधूरे आए हैं। क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाऊंगी कल, इंशाल्लाह ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और जैसे नेकलेस है वो 2-3 मिले, 2-3 नहीं मिले, कोई बात नहीं। कुछ कुछ चीजें मैं खाला को कॉल पे बोल दूंगी। और फ्रेंड्स साथ साथ ये सब में जो हुआ सो हुआ, स्किन थोड़ी खराब हो गई है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, 3 दिन में मैंने देखी है कि आप बाहर अगर निकल रहे हो धूप में, धूल में, मिट्टी में, गर्मी में, पसीने में, तो आप कोशिश करो कि आप मेकअप करके ना निकलो। फर्स्ट डे मैंने यही किया, मैंने फाउंडेशन लगा लिया और 5 मिनट बाद ही धूप में वो सारी चीजें चली गई, क्योंकि अंदर चला गया स्किन के, पसीना आया, जाहिर सी बात है पोर्स ओपन हुए तो स्किन में देखिए ये सारी चीजें रेडनेस है ना, ये मुझे कभी नहीं होती है, ये होने लगी है, सुधारना है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम ये मामा अर्थ का ग्रीन टी फेस वॉश यूज करेंगे। इसमें ग्रीन टी है और साथ इसमें कोलेजन भी है, ये ओपन पोर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रीन टी फेस वॉश की ना मुझे पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। देखिए इधर से ऑन होता है, इधर से ऑफ होता है और ये इसमें ब्रश भी है। जब भी बाहर निकलो कोशिश करो कि धूल में निकल रहे हो तो फेस कवर कर लो, कोशिश करो कि स्किन कैसी भी है मेकअप को अवॉइड करो। ये मामा अर्थ का फेस वॉश फ्रेंड्स आपके पोर्स को टाइट करने में हेल्प करेगा, आपके फेस को अच्छे से डीपली क्लीन करेगा। माइल्ड और जेंटल सा फॉर्मूला, आपकी स्किन पे हार्श नहीं है और मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। फेस वॉश में ग्रीन टी है फ्रेंड्स, वो स्किन का जो मॉइस्चराइजर चला गया उसे वापस लाती है और साथ साथ इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और इसमें कोलेजन भी है जो हमारी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है और साथ साथ मॉइस्चर वापस लाता है।
ये सोच के बाद मैं यूज करूंगी मामा अर्थ का ग्रीन टी फेस टोनर। ये इनका जो CTM रेंज है फ्रेंड्स, ये ग्रीन टी वाला उसमें से एक है, फेस वॉश, ये टोनर और ये डे क्रीम। अभी मैं नाइट में कर रही हूँ तो मैं डे क्रीम नहीं लगाऊंगी। मामाअर्थ की जो ग्रीन टी रेंज है फ्रेंड्स बहुत अच्छी लग रही है, इसका फेस वॉश, इसका टोनर और इसकी डे क्रीम। आपको भी स्मूथ स्किन चाहिए जिसमें आपके ओपन पोर्स ना दिखे और आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चर रहे, हाइड्रेशन रहे, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में ग्रीन टी के साथ साथ कोलेजन भी है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, बूस्ट करते हैं, आपकी स्किन पे यूथफुल सा ग्लो आएगा। और फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मेड सेफ सर्टिफाइड है, आपके स्किन के लिए एकदम सेफ है, इसमें कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स और केमिकल नहीं है। और मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप उनसे जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो वो आपका ऑर्डर एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामाअर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मामाअर्थ की एक ऑफिशियल ऐप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको हर ऑफर का अर्ली एक्सेस मिलेगा जिससे आप ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। वहां जाके आपको क्या करना है, आपको पता है मेरा कोड यूज करना है जो कि सबा 2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। कर रही हो? देख रही हूँ। हवा अच्छी चल रही है। धीरा धीरा क्यों है? तो तुमने सबको नहीं बताया तुम्हारा भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं अच्छा लगा, मतलब नहीं अच्छा लगा। वो नहीं कैंसिल कर रही थी, अच्छा लगा। एग्जीबिशन कैसा हुआ? हम लोग का मॉडल ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स इनके एग्जीबिशन में क्या हुआ, बच्चों ने क्या क्या तो मॉडल्स बनाए थे, आप सारी चीजें अभी देखो। हम तब तक चलते हैं सोने, आपसे मिलते हैं कल। फ्रेंड्स रिजरियान के स्कूल में एग्जीबिशन है, उसमें जा रहे हैं हम दोनों। तुम मिल गए? हाँ मिल गया। ये किसने बनाया है? वाह देखो बेटा ट्रैक्टर बनाया है। यार टीचर्स ने इतना सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है तो उनकी तारीफ तो बनती है, तो मैं यहाँ उनसे कह रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अभी हम आ गए हैं रिजा के क्लास में, देखो कितनी एक्साइटेड हो रही है। और ये था उनका ग्रुप का मॉडल। वेलकम टू द साइंस एग्जीबिशन, माय सेल्फ रिमाइंडर सारुद्दीन एंड आई एम फ्रॉम ग्रेड 9। दीस आर माय टीममेट्स, माय सिस्टर दास, आई एम सकीना मारा, आई एम रियाक्षी, आई एम प्रज्ञा एंड आई एम सुमन। बच्चों के टैलेंट को मानना पड़ेगा। ये देखिए किडनी का वर्किंग मॉडल बना के दिखाया उन्होंने, वेरी गुड। तो अभी ये देखिए टेलीस्कोप का मॉडल बनाया था, काफ़ी अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पे ये बता रहे थे कि धुआं निकलता है उससे क्या पॉल्यूशन में इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और ये था कुछ बता रहे थे कि शुगर केन से क्या बनता है, फिर कोई सी गैस निकलती है, इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन काफ़ी अच्छे से बच्चों ने बना के उसे समझाने की कोशिश करी थी। ये देखिए काउंटिंग का कुछ बनाया था कि इस तरह काउंट करते हैं। और ये बनाया था पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बनाया था कि पहले के लोग कैसे रोशनी से, सूरज की रोशनी से टाइम समझ जाते थे कि अभी छांव आई है तो ऐसा हुआ है। और ये 3D मॉडल बनाए थे जो आर्किटेक्चर लोग यूज़ करते हैं। एक से बढ़ के एक टैलेंट है बच्चों में, और काफ़ी अच्छे से वो सारी बातें समझा रहे थे।
यहाँ पे देखिए ये था VFX का, किस तरह चीजें होती हैं VFX के ऊपर इन्होंने सारी चीजें बनाई थी। और देखो मेरा हमेशा का सपना पूरा हुआ, तराजू में तौलने का गलत जगह रख दिया था। और ये तो मुझे सिलाई मशीन लग रही है। देखिए टूटे हुए टाइटैनिक का स्ट्रक्चर बनाया है और ये बताया है कि शिप से जो ऑयल गिरता है तालाब में उससे क्या पॉल्यूशन होता है। और ये भी डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बनाया था कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। जो जानवर हैं देखो जंगल में कितना खुश हैं जब पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे आके उनका क्या होता है, वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे समझाई थी। और यहाँ पे देखिए चूड़ी बनाने वाले भैया को भी बैठाया था, जिसको लाइव बनवाना है अपना बना के ले लो। और सबसे प्यारी तो ये मुझे झोपड़ी लग रही थी, बेटी खाला को भी बहुत अच्छी लगी है और अंदर से इतनी अच्छी लग रही थी कि मन कर रहा है कि यहीं पर ही जाके सो जाओ। और रेहान के ग्रुप में ये जो ड्रॉट आता है सूखा होता है उसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया था। मजा आ गया फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं घर। और ये गिफ्ट मैं रेहान के लिए लेके आई थी भोपाल से। फ्रेंड्स फाइनली आज मैंने दो दिन बाद अपनी सूटकेस खोली और मैं क्या क्या लेके आई हूँ मम्मी को दिखा रही थी। कुछ चीजें सिला पाई और कुछ चीजें नहीं सिला पाई। और अभी मैं जा रही हूँ भाभी के साथ, रेहान भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कपड़ा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसमें बहुत सारे पेस्टल शेड्स भी थे। ये ऑर्गेन्जा टाइप का कपड़ा है, कलर जो है कलर के लिए मैंने इसे लिया है। तो इसका हम नीचे कुछ बनाएंगे, इसके पैटर्न डिसाइड करेंगे हम लोग। तो ये हमने नीचे के लिए लिया था 5 मीटर और इसके ऊपर कुर्ते और दुपट्टे का लिया। इसके ये लेस के बिना तो अधूरा लगेगा। इसके साथ ये कपड़ा आपको कुर्ते के लिए लेना है तो आप कुर्ते के लिए ले लो, क्योंकि इसमें डाई नहीं हुआ। लिया था फ्रेंड जैसे इसके ऊपर की इसको कलर इस कलर में करा लेंगे तो रेड खिलेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो कलर होता है ये वाला कलर ये डाई नहीं होता। हम से डाई कहाँ जाएगा, हाँ है ना? नहीं जा भी सकता है, नहीं जा सके, अलग लगेगा। फ्रेंड्स आप बताओ, जब ये दुपट्टा है और कुर्ता है तो ऐसी गोल्डन लेस लगेगी दोनों मिलके तो अच्छा लगेगा, बीच में कबाब में हड्डी काम लगेगा। भोपाल में इस टाइम पे फ्रेंड्स अभी ये जो गरारे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो ये हो रहा है कि कुर्ता बिना सिला आ रहा है, नीचे गरारा रेडी आ रहा है। तो ये अम्मी इसका कुर्ता हमने सिला लिया था और आप ये देखिए। और सबसे अच्छा तो इसका दुपट्टा जो मेन सूट का हो बहुत अच्छा है। सूट में सबसे पहले दुपट्टा देखा जाता है। अच्छा है, दुपट्टा नहीं तो कुछ भी नहीं है। और एक फ्रेंड्स हमने ये लिया है, ये भी भोपाली सूट है, एक तरह से कुर्ता है। एक मुझे ब्लैक चाहिए था और ये इसका दुपट्टा है और ये नीचे इसका गरारा है। तो जिसलिए मैंने भेजा था सालू को भोपाली सूट तो ये आ गया। और ये इंशाल्लाह मैं पहनूंगी शादी के बाद, सभी पहन, क्योंकि शादी के कपड़े तो बन ही रहे हैं, भाभी बना रही है। सच्चा काला लग रहा है, सभी अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने दिल से भेजा था भोपाली सूट तो मेरे मन पसंद के लिए। एक ये फ्रेंड्स कंचोई का स्कर्ट लिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था अनारदाना, इसका भी कुर्ते का डिसाइड करना है, क्योंकि इसका जो हमने कुर्ता लिया था ना वो इस पे जा नहीं रहा अम्मी बाद में, है ना? ये अपने आप में अच्छा लग रहा है अलग से, इसके नीचे तो प्लेन भी चल जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं अच्छा लग रहा, तो इसका कुर्ता जो है हम कोई दूसरा बनाएंगे। ओपन नहीं करो, ये है तुर्की सूट जो भोपाल में चलता है। अच्छा, तुर्की बोलते हैं इसको, पैटर्न मतलब सूट तो आम है। मुझे पता है, भोपाल की शादी में हम शुरू आए थे भोपाल, वहाँ गली में जाते गए थे तो ऐसी पहनती गए थे, डार्क जामनी डार्क हरा। इसका दुपट्टा 5 मीटर का है, उसे कैसे बांधेंगे पता नहीं। अब जैसे भी बांधना बांधना, लेकिन ये मुझे वो कह रहे थे आपकी मम्मी को आता होगा। हाँ मैं देखा है लेकिन पहना नहीं कभी, जैसे देख लेगी यूट्यूब से। क्या नाम है? तुर्की दुपट्टा, तुर्की दुपट्टा, हाउ टू ड्रेप तुर्की दुपट्टा। और ये कलर मैंने पसंद किया था, भाभी को लेके जाओ एक दिन भोपाल। अब चलेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइबर मिले थे उन्होंने जबरदस्ती, हमने बोला था हम गिफ्ट नहीं लेते लेकिन वो मार्केट में नहीं छोड़ रहे थे, आपके लिए अम्मी के लिए मेरे लिए। ये भोपाल का फेमस बाघ प्रिंट, सबसे पहले अम्मी आप चीज़। ये हमेशा होता है हमारे घर, तुम ही बंद कर लो, हमारे पास सब कुछ है। मेरे पास तीनों रंग नहीं है, आप कोई तीनों सिला लो। तीनों सिला लो। इस वक्त कितने कपड़े हैं घर में, मुझे लग रहा है वो ग्रीन ले लीजिए, ये अच्छा लगे। अगर तुम्हारे पास ग्रीन हो तो पिंक ले लो। मेरे पास तीनों रंग नहीं, नहीं ग्रीन अच्छा लग रहा है। ठीक है, दावत में जाएगी, बहुत अच्छा। ये भी प्लाजो बना बनाया था और कुर्ता ऐसा बहुत अच्छा है। इसका काम कितना अच्छा है,
हम तो यही सोचते थे एक दिन तुम सब कभी चलेंगे, चली जा। भोपाल वालों ने बहुत सारा प्यार दिया है और सब बहुत इंतजार कर रहे हैं कि आप और भाई कब आएंगे, तो आप जाएंगे। अच्छा है ना, बहुत ही प्यारा है। और ये ना वो अच्छा वाला रेड है, हाँ वो भड़कीला रेड है, बहुत सुंदर वाला, वो मरून और रेड के बीच का है। और इसका दुपट्टा अच्छा लग रहा था भाभी, ये देखिए। तो ये सब रेडीमेड मिलते हैं वहाँ, कुर्ता नहीं रेडीमेड था। लेकिन आज तो मतलब सूट से अच्छा हर चीज से अच्छा पैर लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, चप्पल भी अच्छी लग रही है। लेकिन मतलब पायल के लिए यही सूट सलवार होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पहनने का। या तो ये हो या चूड़ीदार, चूड़ीदार नहीं तो नहीं दिखती। बहुत ही प्यारे, ये अम्मा को दे देते हैं। अम्मी ने ये दे दिया, अम्मी ने ये दे दिया, बेटी खा ला, बेटी खा ला को हमने दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं हैवी कपड़े किसी के लिए भी नहीं लेके आई थी, क्योंकि हर एक रस्म के हर एक चीज के कपड़े भाभी ऑलरेडी बना रही है, बन चुके हैं, तो हमने कहा फिर दोबारा वेस्ट जाएंगे। सारा लोग तो आती रहती है, फिर लेती रहती है, ले लो और फिर वो पहनने में नहीं आएंगे इतने हैवी कपड़े, तो फिर बेकार जाएंगे। हाँ चोटी दिखा देंगे, चलो अच्छा लग रहा है। हमें हमारे सब्सक्राइबर ने दिया था, आपको बहुत सारा थैंक यू। मैं भाभी और रेहान गए थे कुछ काम से कुछ देखने के लिए, वहाँ पे काफी टाइम लग गया, मतलब आना जाना थोड़ा दूर था, देख के आ गए। और मैं अपनी कुछ कुछ शॉपिंग आपको नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने सोचा व्लॉग एंड करने से पहले आपको दिखा दूं। भोपाली नारा कैसे उलझा के लाए, कैसे उलझेंगे अब ये पैकिंग करने वाले ने रखे हैं, बैठ के जिसकी जो कलर मिले बस ऐसे ले लिए हैं, कुछ हाँ, भी ऐसे ही करके। ये देखो ये है कौन सा, ये अम्मी की है, अम्मी अब ऐसी नहीं मिलती जो आप पहले वाली सोच हाँ, रही थी, लेकिन ये हल्की है, ये हल्की है, ये मल्टी कलर भी अम्मी की है, हाँ, ठीक हाँ, ये भी अम्मी की है, हाँ, ये अम्मी का से सूट है जामनी, ये भी इसे बांधने से होगा क्या स्टाइल, ये कैसे नकली, ये तो बाल भी नहीं है जो नकली लगाते हैं, ये नीचे बालों के साथ होती है, लटकती है, तुमने जानते हो? जानता हूँ, आवा भोपाल में पहना करती थी, मैं घर में लटका के घूमती थी ना, भोपाल में हार देख रहा हूँ, एक ये है, ये टीका है, हाँ, पूरा सेट है, हाँ, मतलब हाँ, टीका कान के और गले का, अच्छे हैं बहुत, हर उसमें पहन लो, अच्छे अम्मी। तभी तो मैंने भेजा था कि ये चीजें वहीं मिलेंगी भोपाल, हाँ, में, क्योंकि मैं देखती रही ना इतने साल, पूरे साल हर शादी में खाने जाती थी, खाने जाती सबकी में गला झूमर सब, ये चीज जो वहाँ मिलती है यहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ये चीज फेमस है और सस्ती भी, सस्ती भी, ये 650 रुपए का, अब बताओ बताओ, नजर न लग जाए कहीं, देखो तो ये वैसे भी हरा कलर है, देख गोल्डन में कितना, बस बस अब दूसरा, जल्दी 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 जल्दी, और ये मैरून तीन खंड की झुमकी, झुमकी तीन खंड की, आ जाएंगी तुम्हारे कान में, पानी तो बड़े करो कान में कैसे आएगी, बहुत अच्छा, अच्छे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तीन खंड की झुमकी, नजर न लग जाए पहले माँ, अच्छा बस कुछ नहीं, और बस यही था, यही था। अरे ये तो मैंने अभी देखा, ये हमारे वाले कहाँ है, किसने दिया था रिजर्व, कोई आए थे, अनारदाना, नहीं अनारदाना बस यही मिलता है, ये वो सोने का मिलता होगा अनारदाना, अरे ये किसी सब्सक्राइबर ने दिया है, मैं उनका नाम तो नहीं देख पा रही हूँ, इतने सारे लोग मिलने आए थे, पता नहीं किसने दिया है, जिसने भी दिया है थैंक यू सो मच, वाओ मैं पहनूंगी इसे जरूर बाद में देखूंगी, सही है, तो कौन लाया था, अच्छा है, कोई बेचारी देख, नाम पूछ के आते जिसका होता, पता नहीं, चलो कोई किसी, बताना मुझे, किसी चाहने वालों ने दिया है, देखो मुंबई और हैदराबादी चूड़ी में क्या डिफरेंस होता है, जो मुंबई में होती है मुंबई की होती है, जो हैदराबाद में बनी होती है वो हैदराबादी होती है, तो कुछ तो डिफरेंस होता होगा, इस तरह का होता है, देखो तुम, अब तो मैं बस सिखाऊंगी, हमें झबड़े से दूर ही रहना है, थैंक यू जिसने भी दिया, आवा चले, हाँ, कहाँ चलना, सालू को लेने, हम लोगों ने बताया नहीं उन्हें, हाँ हम सरप्राइज देंगे उन्हें, हाँ चलो चलो चलो, अल्लाह अम्मा जा रहे हैं, अरे अभी आजकल नहीं जा रही, आपको मिला।